इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि बहुमत खो चुकी है हरियाणा की बीजेपी सरकार, राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द चुनाव करवाए जाए। गवर्नर को लेटर लिखा है, तो क्या आप भी मिलेंगे गवर्नर साहब? वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते गवर्नर के साथ, हमारे तो कोई साथ भी जाएंगे, कोई डाउट वाउडर क्या होगा, उनको परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अपनत में आ गई है, अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए राष्ट्रपति शासन करके। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब का कब कराएंगे सर? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिसबिलिटी है, उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम 30 करके हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए जिनसे विड्रॉ करा, चौथा कुंडू है, पांचवा अभी फिर वाला 45 है, 88 का हाउस है, दो जगह खाली है। सर जैसे भी कह रहे हैं कि एक मिनट का भी काम नहीं था ये, तो जाके तो राज्यपाल से एक मिनट का भी काम नहीं था राज्यपाल से जाके मिलते जेजेपी, तो ये कह रही है कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से मिलती। कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस तो कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात की जो इनका गठबंधन था, गठबंधन का भी समझौता हुआ था, आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। सर जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब क्या अविश्वास प्रस्ताव आता है 6 महीने नहीं मिलते जो है, ये भी है उनको पता ही नहीं क्या कारण। अब सेशन बुलाए और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है, तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने। हमारे इतने एमएलए हैं।